सोचा कि यार कल से करते हैं एब्स की एक्सरसाइज, फिर मैंने कल सोचा कि परसों से कर लेते, क्या जा रहा है। ऐसी नर्सों निकला और मेरा पेट भी निकल गया। फिर उसके बाद अब मेरे से एब्स की एक्सरसाइज भी नहीं हुई जाती क्योंकि ये टायर बीच में आया था। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो ये क्रंचेस मार रहा, ये देखो पेट बीच में आ जाता है मेरा, ये देख रहे हो, इतना सारा क्रंचेस भी नहीं मारे जा रहे मुझसे तो। चलो यार मैं अपने फ्रेंड की मदद लेता हूँ, चलिए अपने फ्रेंड से ही मदद मांगता हूँ कि इस पेट को कम कैसे करे। और हाँ, वो एक ही शर्त पे मदद करेगा, जब आप उसके चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लाइक करोगे और शेयर करोगे ये वीडियो। चलो यार मदद मांगते हैं, कैसे कम करेंगे पेट, आ जाओ। अरे भाई कोई पेट की एक्सरसाइज बता दे यार, जिससे कोई दिक्कत भी ना हो और कम भी हो जाए, अंदर हो जाए पेट, क्योंकि यार एब्स की एक्सरसाइज करते वक्त मेरा पेट बीच में आ जाता है और वो मुझसे कर ही नहीं जाती। तो कोई चल फिर मैं तेरे को कोई एक्सरसाइजेस बताता हूँ, इजी एक्सरसाइजेस, जिससे तेरा पेट ऐसे अटकेगा नहीं क्रंचेस करते वक्त या कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त। बहुत इजी एक्सरसाइज बताता हूँ और उससे तेरा पेट भी अंदर को हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं जंपिंग जैक्स, जो कि आपको इस तरीके से करनी है। ये आपको 30 सेकेंड्स करनी है और आपको इसके 5 या 6 सेट्स करने हैं। आप फील करोगे कि आपका टमी जो है वो हिल रहा है, शेक हो रहा है, जिससे आपका फैट भी बर्न होगा। तो ये आपको करके दिखाएगा मेरा फ्रेंड कि इस एक्सरसाइज को कैसे करनी है। सही में भाई ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मेरी तो पूरी तोंद हिल रही है इससे। तो अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज में, स्टैंडिंग बाइसिकल क्रंचेस, जो कि आपको ऐसे करनी है। अल्टरनेट हैंड्स और आपके नीज ऐसे टच होंगे। जिन लोगों का ऐसे पेट निकला हुआ है उनसे लेट के ये एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, तो आप खड़े होके ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव रहेगी आपके बेली फैट के लिए। एक बार करके दिखाइए जरा। सही है भाई ये वाली एक्सरसाइज भी, इसमें ज्यादा पेट अटक नहीं रहा मेरा और आसानी से हो जा रही है। तो अब थर्ड एक्सरसाइज में आते हैं हाई नी टैप्स। वो आपको कैसे करनी है, ये आपको 30 सेकंड्स करनी है, इसके भी आपको 5 या 6 सेट्स करने हैं। ये इस तरीके से होगी, यूं ऐसे। इसमें आप देख रहे क्या आप फील करोगे, आप अपना लोअर जो आपका टमी फैट है वो इसमें बर्न होगा। देखो जैसे कि ये करेगा अभी। हाँ यार ये भी इफेक्टिव है। ओह सांस फूल गई मेरी तो। आते हैं फोर्थ एक्सरसाइज में माउंटेन क्लाइंबर्स, जो कि आपको ऐसे करनी है। आपको पुशअप पोजीशन में अपने हाथों को यू ऐसे रखना है, ऐसी पोजीशन रहेगी आपकी और फिर आपको ऐसे करना है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी टमी पे, ये आपको करके दिखाएगा। फिफ्थ एक्सरसाइज हील्स टू हेवन, और ये आपको यही करके बताएगा कि इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। एक्सरसाइज क्रंच किक्स, वो आपको कैसे करनी है देखो। आपको ऐसी पोजीशन में लेटना है, हाथ आपकी यहां रहेंगे और आपको ऐसे किक करना है यूं। बहुत इफेक्टिव होगी ये, करके बताइए भाई जरा। हमें क्या करनी है, कोबरास। देखो ये आपको कैसे करना है, आपको ऐसे लेटना है और यूं करनी है आपको एक्सरसाइज, यूं ऐसे। इससे जो आपका स्टमक है वो स्ट्रेच होगा यूं ऐसे, जैसे कि देखो इसका स्टमक स्ट्रेच हो रहा है ये एक्सरसाइज करते वक्त।
वाह यार, पेट पर ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेन मोटिव इस वीडियो को यही बनाने का था कि कई लोग जिनका एक्सेस टमी बाहर निकला हुआ होता है वो इन एक्सरसाइजेस को नहीं कर पाते, जैसे कि क्रंचीज हो गई और जो मैंने वीडियोस अपलोड करी थी। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल और इजी एक्सरसाइजेस बताई है जिससे आपका टमी अंदर को हो जाएगा। तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आप, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।